Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ टिप्स वाली वीडियोज आप लेकर आने वाला हूँ. बहुत टाइम से मैं न्यूज़ वीडियोस कर रहा था क्योंकि कंडीशन सी ऐसी चल रही थी, कभी करेक्शन चल रही थी, कभी कुछ किसी चीज़ की लास्ट डेट आ रही थी, कभी किसी चीज़ की, तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रह रहा था. तो इस टाइम पर भी मैं आपके लिए टिप्स वीडियोज लेकर आया हूँ और सारी टिप्स काफ़ी अच्छी टिप्स हैं. तो गाइज, मैं देरी ना करते हुए शुरू करता हूँ. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट और एम्स के स्टूडेंट के लिए लास्ट मंथ के कुछ छोटी छोटी टिप्स. उसमें से कुछ आपको पहले से पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी. तो मैं आपको यहाँ पर 7 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी लास्ट के मंथ्स में प्रिपरेशन करने के लिए. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं. सबसे पहले है मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. आपको करना क्या है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपना. आपने लगभग अभी तक बना ही लिया, और नहीं बनाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है किस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाए, लंच से पहले क्या पढ़ना है और रिविज़न कब करनी है, मॉक टेस्ट किस टाइम पर, रात के टाइम पर, सुबह के टाइम पर देना बेस्ट होगा. तो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं. सेकेंड वन इज़ यूज़ ओनली वन बुक एट अ टाइम फॉर द प्रिपरेशन. आई प्रेफर टू कम्प्लीट योर NCERT फर्स्ट, देन यू कैन रेफर एनी अदर रेफरेंस बुक. सबसे पहले एक टाइम पर, जैसे अगर आप अभी दिन के टाइम पर पढ़ रहे हैं और अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक बार में एक ही बुक पढ़ें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. क्योंकि वन बुक एट अ टाइम इज़ द बेस्ट. आपको एक बुक एक टाइम पर पढ़नी बहुत ये ज़रूरी भी, क्योंकि ज़्यादा जगह से आप पढ़ते तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होती है इंस्टीड ऑफ कुछ सीखने के, कुछ लर्न करने के. थर्ड वन इज़ यू कैन ऑल्सो यूज़ गूगल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स एंड चैप्टर. ये तो नॉर्मल सा है थोड़ा. मैं नेक्स्ट पेज पर कुछ अच्छे टिप्स हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ यूट्यूब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम्स और नीट 2019, बिकॉज देर आर सो मेनी गुड यूट्यूबर्स, दे कैन टीच यू एट होम. ये उनके लिए बेसिकली मैंने आगे टॉपिक में लिखा था जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है. तो ये टिप्स उन लोगों के लिए जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो इसलिए. मेक श्योर यू राइट ऑल द रिएक्शन इन अ नीट एंड क्लीन नोटबुक. दिस विल डबल अप योर एज रिविजन नोट्स डरिंग द लास्ट टाइम. आपको करना क्या है, जो रिएक्शन और आप जो भी नोट्स बनाते हैं आप अपने, आपको क्लीन एकदम नीट एंड क्लीन नोटबुक में बनाने हैं. आपको एक अच्छे पेपर पर बनाने, वाइट पेपर पर, जो कि साफ़ सुथरा हो, ताकि आपको रिविजन करते टाइम जब लास्ट के मंथ में रिविजन करोगे तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स. डूइंग दिस श्योरली हेल्प इन प्रिपेयरिंग द वंस फॉर द एक्सट्रीम सिनेरियो इन द एग्जाम एंड ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द वीक एरियाज ऑफ देयर्स. आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए. मैं हर बार मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में, क्लियर करने में. इससे आपको अपनी रियलिटी पता चलती है और अपना रियलिटी चेक हो जाता है, किस चीज़ में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पर मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, किस पर नहीं हूँ, वो सब आपको इससे पता चल जाता है. And the last one is have faith and believe in yourself that you will perform well in the exam and get the college of your choice. ये तो बहुत important point है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अपने ऊपर confidence नहीं होता है, अपने ऊपर believe नहीं होता है कि मैं ये कर सकता हूँ. Yes, आप कर सकते हो, आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, जस्ट बस 2-3 महीने और मेहनत करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, सारी वीडियो सारी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप सब देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा. और कोई भी क्वेश्चंस होता है, डाउट होता है, नीचे कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं. कोई भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं शिवा लर्निंग के, आपको उसका रिप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको देंगे. तो ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो में. ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.